तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब्स फॉर फ्रेशर। तो मेरे पास बहुत सारे से कमेंट्स आते हैं कि नहीं, फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देता है, फ्रेशर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसका एक थंब रूल है दोस्त, जो मैं आपको सीधा बता दूं कि जो भी बंदा आज एक्सपीरियंस है, मान लो कोई किसी को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का किसी को भी कितना भी एक्सपीरियंस है, तो कभी ना कभी उसने एज अ फ्रेशर जॉब ली होगी। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कॉलेज के टाइम पे उसका एक्सपीरियंस हो गया और आके उसने डायरेक्ट कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ऐसा मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, उसने कभी ना कभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया होता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनिशियल जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है एक बंदे से, जो एक फ्रेशर के बंदे से जो कंपनीज की अप्रोच होती है, वो अगर आपकी प्रॉपर है उन सब्जेक्ट्स पे या उस टेक्नोलॉजी पे या उस मार्केटिंग में या सेल्स में, उसमें अगर आपकी एक अच्छी सी पकड़ है ना, तो फिर क्या होता है कि फ्रेशर्स को भी इजीली जॉब मिलती है। अब पकड़ बनती कैसे है? तो देखो, या तो आप एक बेस्ट कॉलेज से करो जहाँ पे प्लेसमेंट होते हो, नंबर वन रूल। तो बेस्ट कॉलेज से करने के लिए आपको आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फीस हाई फाई होती है, मतलब कॉस्टली होती है। या फिर आप किसी एक नॉर्मल कॉलेज से करो जहाँ पे आपको नॉर्मल सी फीस देनी पड़े, एक मिनिमल सा जो होता है वो फीस आपको देनी पड़े, और कॉलेज के टाइम पे जब आपका लास्ट ईयर रह जाता है या लास्ट सेमेस्टर रह जाता है, वो आप चाहे बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, आप टेक कर रहे हो, कोई सी डिग्री डिप्लोमा ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको ट्रेनिंग बेस कोई एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना पड़ेगा। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स कैसे होता है? अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आप जावा की ट्रेनिंग लो, .NET की लो, PHP की लो, या C++, मतलब एक तरीके से जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स करो आप किसी बड़ी सिटी में आके, जहाँ पे आपको जॉब दिलाएं। नॉर्मल सी फीस होती है 15-20-25 हज़ार रुपये, आपकी अराउंड अराउंड इतनी होगी। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ, हो सकता है मुंबई बेंगलोर सिटी में थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट एक एवरेज आप 25 हज़ार रुपये मान के चलो, तो वहाँ से आपको जॉब प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं जो की पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, या जो 1 से 2 साल के कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन कैंडिडेट को 1 से 2 साल वालों को जितना पता होता है, तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स, या एक तरीके से सर्टिफिकेट आप मान लो। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, एंड फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको जॉब मिलेगी। और अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से किया हो, आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो फ्रेशर्स घूमते भी हैं, उनको जॉब भी नहीं मिलती उस फील्ड में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बाकी अगर आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में भी जॉब देख रहे हो, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जो कि आपको 90% वही मिल जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे, और मेरा एक बेस्ट रिज्यूमे दिया हुआ, तो आप वो भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।